सीबीआई ने जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर अब एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। एसीबी ईडी के बाद अब सीबीआई इसकी परत दर परत एक एक पोल खोलेगी और इसकी जद में कांग्रेस सरकार के एक मंत्री भी आ सकते हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। जेजेएम महाघोटाला, सीबीआई खोलेगी फर्जीवाड़ा, दर्ज हो गई एफआईआर, शुरू हो गई बड़ी जांच। भ्रष्ट अधिकारियों की सीबीआई खोलेगी पोल। 900 करोड़ का घोटाला किसने कर डाला? गांव के हर घर तक नल से जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोपों की अब सीबीआई भी जांच करेगी। सीबीआई ने इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है। सबसे पहले एसीबी ने जल जीवन मिशन में घूसखोरी और कमीशन खोरी को लेकर ट्रैप की कार्रवाई की थी और मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने भी अवैध रूप से धन के लेन देन का मुकदमा दर्ज किया था। दोनों एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं और अब सीबीआई ने भी केस दर्ज कर लिया है। ईडी एसीबी राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के बाद अब सीबीआई श्याम और गणपति ट्यूबवेल कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। ठेकेदार पदमचंद जैन महेश मित्तल की खुलेगी पोल। तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव भी घोटाले में लिप्त। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के खिलाफ भी जांच जारी। विभाग के 24 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ केस। 900 करोड़ के घोटाले में सीबीआई नए सिरे से करेगी जांच। दरअसल राज्य सरकार ने 18 मार्च को इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर टेंडर लेने को लेकर केस दर्ज किया गया है। जल जीवन मिशन में गड़बड़ियों का खुलासा तब हुआ था जब पिछले साल 6 अगस्त को एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पीएचईडी के एक्सईएन मायालाल सैनी और जेईएन प्रदीप कुमार को 2,20,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था। यह घूस उन्हें ठेकेदार पदमचंद जैन ने दी थी। इस दौरान जब और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई, तो सामने आया कि इसमें जो 900 करोड़ रुपए के करीब फर्जी जो सर्टिफिकेट हैं वो लगा करके टेंडर लिए गए हैं। जांच में यह भी पता चला था कि हरियाणा से जो चोरी के पाइप थे वो भी जल जीवन मिशन में बिछाए गए हैं। सितंबर 2023 में ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। 2,50,00,000 की नकदी, 1 किलो सोना जब्त किया था। इसके अलावा बड़ी संख्या में संपत्ति के दस्तावेज मिले थे। इतना ही नहीं, ईडी ने इस मामले में पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी के घर पर भी तलाशी ली थी। इसके अलावा महेश मित्तल, संजय बड़ाया, कल्याण सिंह कविया, विशाल सक्सेना, मायालाल सैनी, पद्मचंद जैन, सुरेश शर्मा, अमिताभ कौशिक के ठिकानों पर भी तलाशी ली थी। जांच और पूछताछ के बाद ईडी ने महेश जोशी को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि वे अभी तक ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं और सीबीआई ने भी जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, जोधपुर से है, जहां पर एक चलती हुई स्कूटी में, दोपहिया वाहन में आग लग गई है। आग में जलकर स्कूटी खाक हो गई है। स्कूटी चालक ने स्कूटी छोड़कर अपनी जान बचाई है। गर्मी के चलते माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट स्कूटी में हुआ होगा और उसी के बाद ये आग लग गई है। जैसे तैसे अपनी जान बचा ली स्कूटी सवार ने। देखिए, बीच सड़क पर चलते हुए इस स्कूटी में आग लग गई थी। हालांकि सड़क के किनारे एकदम साइड स्टैंड पर लगाकर स्कूटी को वहीं पर खड़ा कर दिया गया और फिर स्कूटी चालक ने साइड में आकर अपनी जान बचाई, लेकिन स्कूटी धू धू कर जल उठी, जलकर खाक हो गई। सीकर में नारकोटिक्स ब्यूरो के फर्जी इंस्पेक्टर बनकर 83,00,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक सीकर में नवलगढ़ रोड पर रहने वाले बाबूलाल बगड़िया के पास
5 मई को मुंबई से फोन आया था। फोन करने वाले ने कहा कि आपने जो कोरियर ईरान भेजा था उसमें 4 पासपोर्ट और ड्रग्स मिली है। 6 मई को फिर से बाबूलाल के पास फोन आया और फोन करने वाले ने खुद को एनसीबी का इंस्पेक्टर बताते हुए कहा कि आपके खाते में जितना भी पैसा है वो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो जाएगा, इसलिए इसे दूसरे खातों में ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसने बाबूलाल को 2 अलग अलग खाता नंबर दिए जिसमें उसने अपने बैंक से 83 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद पैसे ट्रांसफर करते ही फोन करने वालों के नंबर बंद हो गए। बाबूलाल ने साइबर थाना पुलिस को सूचना दी है, उसके बाद पुलिस जांच कर रही है। ग्रामीण डाक सेवा में 10वीं की फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी लेने का एक मामला आया है सामने। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़ा मिलने पर मुख्य डाकघर अजमेर के PRI के तरफ से अलवर की कैंडिडेट के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। मामले की जांच थाना अधिकारी वीरेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से की जा रही है। अलवर की कैंडिडेट अंजू सैनी ने 10वीं की फर्जी मार्कशीट के आधार पर डाक विभाग की ग्रामीण डाक सेवा भर्ती में आवेदन किया था। जुलाई 2023 ABPM बाड़मा BO के पद पर चयनित हुई। कल डाक विभाग की तरफ से जो कर्मचारी उनके अनुपुर द्वारा एक इख्तियार हमारे को दी गई है, जिसके अंदर अंजू सैनी वाइफ ऑफ संजय सैनी तथा सनी मंदिर के पास अलवर, जिन्होंने फर्जी मार्कशीट बना करके और इसमें आवेदन किया है पद के लिए, उसमें जब जांच की गई उसकी डेली बोर्ड द्वारा, उसमें ये डेली बोर्ड द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट में बताया कि 50 की मार्कशीट उन्होंने जारी हुई है। उसके आधार पर फर्जी मार्कशीट मानते हुए उन्होंने पटन दर्ज करवाया है। 94/2024 की जाएगी। एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि करप्शन पर ACB ने एक्शन लिया है। महिला पटवारी को घूस लेते हुए ट्रैप किया है। फतेहपुर तहसील की पटवारी निकिता को ट्रैप किया है ACB की टीम ने। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। विरासत नामांतरण भरने के एवज में उन्होंने ये घूस मांगी थी और इसी घूस को लेने के चक्कर में पटवारी ट्रैप हो गई है। ACB ने यह अहम कार्रवाई की है। राशन के गेहूं के स्टॉक में गबन पाए जाने पर टाई GSS को निलंबित किया गया है। जांच में 23 क्विंटल गेहूं का स्टॉक कम मिला था। इसके बाद जिला रसद अधिकारी की तरफ से कार्रवाई की गई। प्रवर्तन निरीक्षक मंडावा की जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित मूल्य दुकानदार टाई ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के POS मशीन में दर्ज स्टॉक 117.08 क्विंटल के स्थान पर भौतिक सत्यापन में 94.08 क्विंटल गेहूं ही पाया गया। वहीं उपभोक्ता पखवाड़े में उचित मूल्य की दुकान बंद होने में और उस पर मूल्य सूची का प्रारूप प्रदर्शन नहीं करना और जारी प्राधिकार पत्र में वितरण कारोबार पंचायत भवन दर्ज पाया, जबकि उचित मूल्य दुकान का संचालन और भंडारण दूसरी जगह पर मिला। इस पर जिला रसद अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए टाइम GSS के दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया है। अभी एक दुकान सस्पेंड की थी हमने GSS, उसमें भौतिक सत्यापन के लिए 23 क्विंटल गेहूँ का मिला था। उपभोक्ता पकवाड़े में दुकान भी बंद कर रखी थी, तो उस बेस पर हमने उस पर कार्रवाई की। 23 क्विंटल गेहूँ का मिला था। रूटीन इंस्पेक्शन है जो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं, राज्य सरकार के निर्देशों के हमने फील्ड में निरीक्षण किए गए थे इंस्पेक्टरों के द्वारा।